आप किस स्कूल में पढ़ती थी? स्टार गैरिसन में, बैरियट स्कूल में, या फिर द कैट्स फ्लडेड स्कूल में? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और व्लॉग नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और ओरियो का आप इतना पूछ रहे हैं, तो मैं ओरियो की वजह से ही व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। ओरियो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ओरियो की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं दिन रात ओरियो के साथ लगी हुई हूँ, इसके ट्रीटमेंट में, इसकी केयर में। पूरी पूरी रात मैं सो नहीं पा रही हूँ, कई दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो बाहर बहुत बच्चों का शोर आ रहा है, और इग्नोर करें, मोहल्ले के बच्चे बोल रहे हैं इतना ऊंचा ऊंचा। सो फसी मुफशी, ओए इतनी मीठी मुफशी, मुफशी। बच्चे अभी खाना खा रहे थे, बच्चों का ये वाला बैग ख़त्म हो गया, अभी दूसरा खोलना है। वो हमारा स्टॉक आ गया, वो उठा के लाना है अभी। तो अभी फ़िलहाल घर में बड़ा बैग नहीं था, छोटे थे, तो मैंने कहा चलें और एक खोल लेते हैं। तो ये अब पेट लाइन हम लोग खोलने लगे हैं। तो मेरी कैट्स जो हैं ये पेट लाइन भी खाती हैं, और ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी फ़ूड है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अभी के लिए ये खोल लेंगे, शाम तक स्टॉक उठा लेंगे, फिर रात के खाने में दोबारा रेफ्लेक्स इनको मिलेगा। तो मोस्टली मेरे बच्चे ज़्यादातर जो है ना, उनकी मेन डाइट जो है वो रेफ्लेक्स ही रहती है, लेकिन हमने उनको डायमंड की भी आदत डाली हुई है और पेट लाइन की भी डाली हुई है, तो ये भी खाते हैं शौक से। ये देखें खोलने की कोशिश है, नीचे से कर रहे हैं। मिस्टर मुफासा बड़े तेज़ हो गए, मिस्टर मुफासा देखो एक अनु जी जी खाएगी। ओरियो को आज पानी की तरह डायरिया लगा हुआ है आज। अभी थोड़ी देर ही हुई है हम उसको लेकर आए हैं डॉक्टर के पास से, तबीयत उसकी बहुत खराब है। अभी दिखाती हूँ आपको क्या कह रहा है। अच्छा इसका एज ना रेफ्लेक्स के थोड़े छोटे दाने इसके बहुत ही मोटे हैं। लेकिन फजाइल ये अडल्ट है ना। ओह जीजी के कितना पसंद आया है। ट्रीट ट्रीट जीजी, देखें मिनो कितने शौक से माशाल्लाह खा रही है। ओ, जैसे क्रंची क्रंची आवाज कैसे आ रही है जी, जैसे वो नहीं होता फुल, जिस तरह ट्रीट नहीं होती वैसे ट्रीट का मजा भी ले रही है। ओह आये 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 हिचकियाँ भी लग रही है, जैसे एक से मुझे चावल खाते हुए नहीं हिचकियाँ लग जाती। काइली मैडम, ये जो अभी हम लोगों ने बैग खोला है ना, ये इनका एक टाइम का खाना है सर, ये अभी इनका ख़त्म हो जाना है और फिर शाम तक फिर इंशाल्लाह। ज़्यादा कैट्स हैं तो ऑब्वियसली फिर कैट फूड भी ज़्यादा ही लगता है। अभी थोड़ी देर में जाएंगे फुजैल स्टॉक में आएंगे। और इसकी और ये 3400 रुपए का पैकेट है, 3500 का, 35 का। और ना उंगलियां उठाने वाले कैसे उंगलियां उठाते हैं, सही बात है। ये अगर ये खिलाया 3500 का बैग, ये एक टाइम की फीड है इनकी, एक टाइम का पूरा ये खाना है। हम अच्छा ये बैठा है जी मिस्टर ओरियो, मफिन बाबा से प्यार ले रहा है। आज बहुत शदीद डायरिया इसको हो रहा है, इसको मेडिकेशन तो इसकी साथ साथ चल रही है, साथ में मैं इसको दही और इस्पगोल भी दे रही हूँ, क्योंकि जब कैट का पेट ख़राब होता है तो दही और इस्पगोल जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। थोड़ा थोड़ा मैं वो भी दे रही हूँ इसको, और देखें मफिन के साथ कितना खुश हो रहा है बैठ के। एक मफिन ही ऐसा जो छोटे बच्चों से बहुत प्यार करता है, बाकी तो सब गुस्सा करते हैं। मफू आप सबसे प्यारे दादा बू हो इनके, मफू आप इनके सबसे प्यारे दादा बू हो। ओए 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 ओए। और इतने मजे से खा रही है, आवाजें सुनो आवाजें, आवाजें कहाँ जा रहे नूरी, किस नहीं करने देती मुझे, किस करने दो, देखो मुंह बहुत ही पाक है नूरी तेरा, देखो लिस पे किस नहीं करने देती बानो, इधर करने, अब देखो सीधा किया, ओ माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह, जरा अच्छा। वैसे ही मैंने नूर को उठाया तो मेरे जहन में है, कुछ दिन पहले ना वीडियो देख रहा था, अब वो एक फामिन नाम का बिल्ला उसे उकसाते हैं ना, तो वो बोलता है उसे ना इस्लामिक क्वेश्चन पूछता है, ये देखे मैं नूर को ना पीछे से छेड़ूंगा, नूर चीखेगी, ये देखे हाँ ना। नूर आपका नाम क्या है, साइमा है, नजमा है, नूर है? हाँ कह रही है मेरा नाम नूर है। एक मिनट, आप किस स्कूल में पढ़ती थी, स्टार गैरिसन में, बैरियट स्कूल में, या फिर द कैट्स फ्लडेड स्कूल में? ये देखो जी ये पढ़ती थी द कैट्स फ्लडेड स्कूल में। नूर आप क्या खाना खाती हैं, रेफ्लेक्स खाती हैं,
आप खाती हैं ब्रेटो खाती हैं या फिर खाती हैं चिकन या रेफ्लेक्स प्लस खाती हैं? रेफ्लेक्स प्लस खाती है। अच्छा बस चलो एक मिनट दोबारा से पूछता हूँ, जरा गलत हो गया। नूर आप मीटो फूड खाती हैं, आप ब्रेटो फूड खाती हैं, आप चिकन खाती हैं या रेफ्लेक्स प्लस खाती हैं? कहती है मैं रेफ्लेक्स प्लस खाती हूँ। नहीं नहीं कहती मैं रेफ्लेक्स प्लस खाती हूँ। एक पेट पेरेंट बनना ना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यहाँ पे इतने ये ना मुझे दोनों प्यारे लग रहे थे और यूँ तो बिल्कुल तबीयत नहीं ठीक थी तो लेटा हुआ है यहाँ पर, और कैपी इतना प्यारा लग रहा है, खाना खाया था तो अब अपनी क्लीनिंग कर रहा है। बहुत दुआ करें ओरियो के लिए, ओरियो ठीक हो जाए। हर चीज़ करके देख ली है लेकिन ओरियो पे कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही। डायरिया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है ना वो अब रुक गया है, स्टॉप हो गया है, जो जितना वाटरी डायरिया था वो नहीं हो रहा, लेकिन वॉमिटिंग इसकी अभी भी नहीं रुकी है। नौ बज रहे हैं अभी सुबह के और आज फिर सुबह सुबह हम इसको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। कितने दिन हो गए मेरा बच्चा बीमार है और अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही इसके अंदर बिल्कुल भी। ओरियो दिन ब दिन ओरियो की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आज तो अभी इसका टेम्परेचर चेक किया है तो 98 पे चला गया है, ये हाइपोथर्मिया में जा रहा है, इसलिए मैंने ना इसको भी हीटर ऑन करके दे दिए ताकि इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो सके। असल में ये खाना बिल्कुल नहीं खा रहा है और जो ड्रिप और सबकट्स वगैरह लगते हैं उससे टेम्परेचर और डाउन हो जाता है ना, तो इसलिए इसको मैंने हीटर ऑन कर दिया है। जी विंटर्स आने वाला है तो आपको मैं एक हाउस दिखाता हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वालिटी का है, हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये बहुत ज़्यादा सेल होने वाला और बहुत ही कमाल की ना क्वालिटी है इसकी। ये देखिए कितना मोटा है और अपनी कैट्स के लिए आप ये लाजमी बाय करें अगर आप उसको सर्दी से बचाना चाहते हैं। सर्दी से बचाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। पहले भी आप इसे वाकिफ भी हम मंगवाते रहते हैं लेकिन मैं खोल के दिखाता हूँ सर आपको इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा होगा। ये देखिए ये ना एक्स्ट्रा लार्ज है, एक ये कलर है, एक ये कलर है, कितना ज़बरदस्त कलर है, एक ये कलर है, एक ये कलर है और एक ये कलर है। ये फोर कलर्स में अभी अवेलेबल है हमारे पास, ये फोर कलर्स में अवेलेबल है, बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं तो आप जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर दें और अपनी मर्जी के कलर का हाउस मंगवा लें। और मैं आपको बता रही थी कि रेफ्लेक्स का स्टॉक भी बस आने ही वाला है, मैं उसको ओपन करूंगी तो ये आ गया एक बैग, अभी हम उठा लाए इसको ओपन करते हैं। और ये हमारा ओरियो फिर रहा है, ओरियो के लिए मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन ओरियो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुबह तो ये हाइपोथर्मिया में जा रहा था, इसका टेम्परेचर 98 हो गया था, असल में इसको मेदे का प्रॉब्लम है ना, वॉमिटिंग किए जा रहा है, सूप पिलाएं जो मर्जी खिलाएं ये वॉमिट कर देता है, कोई भी चीज़ ना इसका स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके स्टमक में प्रॉब्लम है, इसके बैक्टीरिया जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब ना मैंने ये ना बैठता ही दरवाजे के पीछे है, पहले मैंने इसको ना हीटर लगा के जेड बॉक्स में रखा हुआ था, अब मैंने नीचे यहाँ पे ना मोटा एक वो बिछा दिया, इसको बिस्तर सा बना दिया ताकि ज़मीन पे जिद करता है बैठने की तो ये ठंडा ना हो। अभी इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, इसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सुबह उठते हैं लेके जाते हैं, शाम को भी चेकअप करवाते हैं। आप ये अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे 15 दिन हो गए हैं, पूरे 15 दिन से ना ओरियो का ट्रीटमेंट चल रहा है और ओरियो मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, बहुत बीमार हो गया। बस दुआ करें अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें। अब पता है क्या, खाना नहीं खा रहा। अब ना पोल्ट्री एक्सपो थी 3 दिन के लिए, साल बाद आती है, मैंने लाजमी जाना था, मेरा पोल्ट्री का भी काम है तो ओरियो की वजह से ना मैं जा ही नहीं पा रहा। चलें कोई बात नहीं, ओरियो का जो है वो ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। आज इसकी आँखें भी ठीक नहीं है क्योंकि कुछ ना खाने की वजह से बहुत लेज़ी हो गया, सब कट्स लग रहे हैं इसको। ड्रिप इसको इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इसको पानी की तरह डायरिया हो रहा है, उससे और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको सब कट के थ्रू ही हम लोग इसको ड्रिप का जो आईवी फ्लूइड होता है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो भी खाता है हल्का सा सूप भी दो ना वो भी वॉमिट करके निकाल रहा है। इसका किडनी ठीक है, सब कुछ ठीक है इसके अंदर से, बस मेदे का प्रॉब्लम है। जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है हम इसके लिए कर चुके हैं अभी तक, अल्लाह ताला ही बस इसको। अच्छा मैंने अभी देखा था मेदे का, किसी कैट का ऑपरेट किया हुआ था किसी बाहर की कंट्री में, और सीवियर किस्म का प्रॉब्लम था। मेदे का प्रॉब्लम जल्दी ठीक नहीं होता, अगर ख़राब हो जाए ना।
जो इसका जो ज़ख्म था ना काइली वाला, वो बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन उस ज़ख्म की वजह से ना इसके अंदर जो इन्फेक्शन हुआ था, जहाँ से इसको फीवर स्टार्ट हुआ और उसके बाद से इसकी हालत इस तरह से हो गई है, ठीक नहीं है मेरा बच्चा। बहन भाइयों की ज़िंदगी में वैसे ही बड़े दुख थे, ये चार थे आपको याद होगा ना, चार में से एक रह गया। एक परी हमारे पास आई थी, उसकी भी डेथ हो गई थी। और यो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको सेहत देंगे। 15 दिन से ना मुझे बिल्कुल होश नहीं है, दिन रात की मैं इसके लिए भागे जा रही हूँ, सुबह को भी डॉक्टर के पास जा रहा होता है, कभी शाम को भी 2 दफ़ा भी जाना पड़ जाता है। बहुत दिल परेशान हो गया ओरियो के लिए, दुआ करें जल्दी से ठीक हो जाइए मेरा बच्चा। ओरियो अब तो आप खेलते भी नहीं हो, वो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।